अब कर्वेचर से रिलेटेड इस एग्जांपल को पढ़ते हैं। सो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट अ पॉइंट ए कोस स्क्वायर थीटा एंड ए साइन स्क्वायर थीटा ऑन द कर्व, ये कर्व है हमारे पास, इज 3a/2 साइन थीटा। फिर इससे पहले जो हमने एग्जांपल पढ़ा था उसमें हमारे पास जो पॉइंट थे एक्स और वाई के फॉर्म में थे और हमने निकाल लिए थे। अब हमारे पास इस फॉर्म में है वो पॉइंट जो है थीटा के फॉर्म में, तो उस कंडीशन में हम किस तरह से ये पॉइंट निकालेंगे। तो फिर सबसे पहले दिया हुआ है x बराबर क्या होता है, x बराबर दिया हुआ है a cos क्यूब थीटा और y बराबर दिया हुआ है a sin क्यूब थीटा। तो यहां से अगर हम देखें तो dx अपॉन d थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 a cos स्क्वायर थीटा डॉट sin थीटा, ये आ जाएगा dx अपॉन d थीटा। और अगर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी थीटा थीटा स्क्वायर निकालना चाहें हम, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास, पहले इस टर्म का कर रहे हैं तो इस टर्म का हो जाएगा हमारे पास 3a सॉरी 6a कोस थीटा डॉट साइन थीटा। अब और साइन थीटा को हम छोड़ा तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब साइन थीटा का कर रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे dx अपॉन d थीटा कर रहे हैं तो 3a cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन आएगा जब cos थीटा का करेंगे, तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ माइनस साइन आएगा बट दोबारा से हम cos थीटा का करेंगे तो उस कंडीशन में प्लस हो जाएगा ये, तो ये प्लस क्योंकि जब हम यहाँ पे इससे करेंगे डिफरेंशिएशन क्योंकि माइनस 3a और साइन स्क्वायर साइन थीटा को छोड़ दिया हमने, तो ये साइन थीटा को छोड़ दिया। अब इसको क्या था, इसका क्या तो 2 cos थीटा पहले तो 2 से तो ये 6 हो जाएगा, 6 cos थीटा और जब cos थीटा करेंगे तो माइनस साइन थीटा, तो माइनस से ये साइन हट जाएगा और साइन थीटा जो आएगा उसको हमने यहाँ पे ले लिया, ये हो गया 2a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा। अब फ्रेंड्स इसका करना है तो फ्रेंड्स इसका करेंगे तो ये माइनस 3a क्योंकि इस माइनस की वजह से, इस माइनस की वजह से माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा और जब साइन थीटा करेंगे तो वो भी cos थीटा आएगा, तो 3a cos क्यूब थीटा। तो यहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, ये आ गया। तो हमारे पास यहां से हम अगर cos थीटा कॉमन लेना चाहें 3a cos थीटा, 3a cos थीटा कॉमन लेना चाहें तो ये आ गया हमारे पास 3a cos थीटा कॉमन, आगे sin स्क्वायर थीटा 2 और यहां से अगर हम यहां पे देखना चाहें 3a का है cos स्क्वायर थीटा का है माइनस cos थीटा, ये जो फाइनल फॉर्म आई है वो आई है हमारे पास d स्क्वायर x / d थीटा स्क्वायर की 3a cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा, ये फॉर्म हमारे पास इसकी आई है d स्क्वायर x / d थीटा स्क्वायर की। अब अगर हम d स्क्वायर y / d थीटा स्क्वायर निकालना चाहें तो पहले dy / d थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास dy / d थीटा निकालेंगे तो ये यहां से y से यहां से 3a, ये हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस थीटा। तो इसका सेकंड टर्म डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, सेकंड टर्म डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर 3a को तो बाहर ही छोड़ दिया हमने, पहले सब इसको 3a को बाहर ही छोड़ दिया तो ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा को करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा तो कोस स्क्वायर थीटा। अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका करेंगे हम तो साइन स्क्वायर थीटा को छोड़ा और कोस थीटा क्या था, ये साइन क्यूब थीटा हो जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा आगे, ये हो गया हमारे पास डी स्क्वायर वाई पॉइंट डी थीटा स्क्वायर। अब हमें वैल्यू पुट करनी है इसके जो कर्वेचर का जो फॉर्मूला है उसमें, कर्वेचर का फॉर्मूला जो है वो होता है रो इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर इसकी टोटल पावर 3/2 अपॉन ये होता है साथ में एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस एक्स डबल डैश वाई डैश, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है तो इस फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास यहां से आ जाएगा, ये वैल्यू पुट कर रहे हैं हमारे पास एक्स डैश स्क्वायर, एक्स डैश स्क्वायर क्या है, ये है हमारे पास 3a, ये हो जाएगा 9a स्क्वायर
cos 4 theta and dot sin square theta, ये हो गया। जब इस यहाँ से माइनस साइन हट जाएगा क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं, वाई डैश स्क्वायर में वैल्यू पुट करेंगे तो वाई डैश ये रहा मेरे पास, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस 9 ए स्क्वायर ये sin 4 थीटा डॉट cos थीटा, ये हो गया अपॉन x डैश डॉट y डबल डैश। तो x डैश क्या है हमारे पास, ये रहा माइनस 3 ए cos स्क्वायर थीटा sin थीटा, ये हो गया। अब y डबल डैश क्या है, y डबल डैश ये है, तो यहाँ पे y डबल डैश का मल्टीप्लाई होगा तो 3 ए डॉट 3 ए, ये तो हो जाएगा हमारे पास 9 ए स्क्वायर, और अंदर का टर्म जो है वो हो गया हमारे पास 2 sin थीटा cos क्यूब थीटा माइनस sin क्यूब थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पे x डबल डैश डॉट y डैश, तो x डबल डैश क्या है, x डबल डैश ये टर्म है, तो ये हो गया हमारे पास माइनस 3 x डबल डैश माइनस 3 a, और ये है हमारे पास x डबल डैश, और यहाँ से 3 a cos थीटा ये आ गया हमारे पास, और यहाँ से 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा, ये हो गया। और यहाँ से अब y डैश की देखें तो y डैश की वैल्यू क्या है, यहाँ से तो 3 a तो ये हो जाएगा 9 a स्क्वायर माइनस, और माइनस सॉरी ये प्लस ही है, तो यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये हो गया 9 ए स्क्वायर कोस थीटा, और ये अगर इसकी वैल्यू लिखना चाहे तो ये हो जाएगा हमारे पास sin स्क्वायर थीटा कोस थीटा। अब ये टर्म आ चुकी है, फिर से अब हमें इसको सॉल्व करना है, ये वैल्यू हमारे रो के इक्वल है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो अगर हम देखना चाहें क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहां से ऊपर से कॉमन ले सकते हैं रो इक्वल टू 9 ए स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, और साथ में साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। और यहां पे अगर हम वैल्यू देखना चाहें तो यहां पे शायद वैल्यू में मुझसे मिस्टेक हुई है कुछ, ये वाई डैश का स्क्वायर था, तो वाई डैश का स्क्वायर जो था वो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा भी लाएगा ये, तो यहां से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को मन ले सकते हैं और कोस स्क्वायर थीटा को मन ले सकते हैं, तो अंदर जो बचा वो बचा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये टर्म हमारे पास अंदर बची, जो अंदर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इसको लिखने की हमें जरूरत नहीं है, ये हो गया। अब अगर हम यहां से देखना चाहें तो इनमें से क्या क्या को मन ले सकते हैं, इसमें से अगर माइनस 9 ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, पहले 9 ए स्क्वायर कॉमन हो गया, उसके बाद अगर देखना चाहे तो यहाँ पे कोस थीटा है, पूरी टर्म का कोस थीटा यहाँ पर है, कोस थीटा यहाँ पर भी, तो कोस स्क्वायर थीटा, और अगर इसमें से देखना चाहे तो कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा क्योंकि कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा बना रहा था, और कोस स्क्वायर थीटा, और अगर यहाँ से देखना चाहे तो साइन थीटा, और अगर साइन थीटा यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें देखना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा अवेलेबल है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो अब हमारे पास माइनस 9 ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आ गया कॉमन, तो अंदर क्या बचा, माइनस 9 ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और इसमें से साइन थीटा बाहर चला जाएगा, तो हमारे पास जो टर्म बचेंगी वो टर्म है हमारे पास 2 साइन थीटा गया तो कोस क्यूब थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गए हमारे पास। और भाई यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से देखें तो हमारे पास यहाँ से क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा होगा, अगर वहां पे देखेंगे हमारे पास तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा होगा, ये हो गया हमारे पास। और यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से 9 ए स्क्वायर गया, कोस स्क्वायर थीटा गया, साइन स्क्वायर थीटा गया, तो अंदर जो बचा वो बचा हमारे पास ओनली प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस कोस थीटा, ये बचा हमारे पास।
यहाँ से साइन थीटा गया कॉमन हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ से ये टर्म कट जाएगी, फिर हो सकता है कि मैंने कहीं पर मिस्टेक कर दी हो यहाँ पे कॉमन लेने में, जब जो ऊपर वाली टर्म से जो नीचे वाली टर्म थी उससे कॉमन लेने में मैंने शायद कुछ मिस्टेक कर दी हो, क्योंकि जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो लास्ट में फाइनल टर्म जो बचेगी, और फ्रेंड्स यहाँ पे जो है इसकी पावर 3/2 भी है, मैं उस पावर को बोला था कि पावर इसकी 3/2 है, जब ये 3/2 कॉमन आएगा तो माइनस यहाँ से जो कॉमन आएगा ऊपर यहाँ पे, तो यहाँ पे ये नहीं कॉमन आएगा, जबकि इसका ये तो हमारे पास सिंपली ये टर्म हमने यहाँ से कॉमन ली थी यहाँ से, तो यहाँ से जब ये बाहर आएंगे तो इसकी पावर भी 3/2, यानी इसकी पावर 3/2, यानी कि इसकी पावर अगर हम देखना चाहें तो ये आ जाएगी 27 a³ sin³ cos³θ। तो ये तो एक ही मिस्टेक थी, और यहाँ पे भी हो सकता है मैंने कोई कॉमन लेने में मिस्टेक की हो, तो जो लास्ट में जो सॉल्यूशन आएगा फ्रेंड्स वो आएगा हमारे पास 3a sin θ cos θ, यानी इसमें से सब कुछ कट के, सब कुछ कटने के बाद इसमें से सिंपली यहाँ पे शायद यहाँ पे cos²θ होगा, अगर चेक देखेंगे तो यहाँ पे cos²θ होगा, तो ये cos²θ यहाँ रह जाएगा, sin²θ यहाँ आ जाएगा, उसके बाद वो कट जाएगा, ये वाली टर्म से ऊपर वाली टर्म कट जाएंगी, जो ये मिस्टेक हुई होगी वो आप देख लेना, ये कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। तो रो बराबर ये होगा 3a sin θ cos θ, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 3/2 a² sin θ cos θ, और ये फॉर्मूला क्या हो जाता है sin²θ का, तो यहाँ से ये हो गए sin²θ, जो कि हमें रो बराबर प्रूव करवा रहा था। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम इसके एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं।